Hi guys, tell the reporter welcome you back to the episode review of Big Boss Season 12 और मैं आपकी host और दोस्त पूजा ये बताऊंगी कि शो के कल रात के एपिसोड में क्या क्या खास रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि काफी जद्दोजहद के बाद हमारे यंग एंग्री मैन श्रीशांत बन गए हैं इस हफ्ते के कैप्टन, और कैप्टन बनने के बाद वो इस चीज का पूरी तरीके से फायदा भी उठा रहे हैं। जब बिग बॉस ने कल कहा कि आपको 3 नाम लेने होंगे जिन्हें आप जेल भेजेंगे, जो हर हफ्ते चलता है, लोगों ने दीपक का नाम लिया, लोगों ने मेघा का नाम लिया, लेकिन बिंग कैप्टन श्रीशांत को ये पावर दी गई थी कि आप किसी एक को बचा के किसी एक को उस नाम पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दीपक जो है हमारे मस्का पॉलिश कर रहे हैं श्रीशांत को, और श्रीशांत ने शायद यही बात समझ के दीपक को सेव कर लिया। लेकिन जो नाम उन्होंने इनके रिप्लेसमेंट में लिया वो था करणवीर बोहरा का। ये बात सच है कि कुछ घर वाले चाहते थे कि करणवीर इस हफ्ते कैप्टन, इस हफ्ते जेल चले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो टास्क हुआ, जो हमारा दिवाली टास्क, जब शिल्पा शिंदे विकास गुप्ता आए थे, वो हाथापाई जो हुई थी श्री के बीच और करणवीर के बीच, वो श्री नहीं भूल पाए और उन्होंने इस चीज का बदला लिया इस हफ्ते के जेल टास्क में, जहां उन्होंने कहा कि बिग बॉस मैं दीपक को सेव करना चाहूंगा, इसके बदले मैं केवी को भेजूंगा जेल। केवी भाई शान दिमाग के इंसान है, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली, लेकिन दीपिका इस बात का उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कल के एपिसोड में, जब बिग बॉस ने अनाउंसमेंट की कि आप इन तीनों दावेदार को, इन तीनों कंटेस्टेंट्स को अब जेल में डाल सकते हैं, तभी दीपिका ने कहा कि आपने क्या सोच के केवी को जेल में डाला है। ना सिर्फ दीपिका, जसलीन ने भी कहा कि केवी की उतनी गलती नहीं थी, ना कि जसलीन, घर के बाकी सदस्यों का भी यही कहना है, कहीं ना कहीं श्री ने केवी का नाम लेकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन श्री को हम सब जानते हैं वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स हमें यही आते हैं कि श्री एक स्ट्रांग प्लेयर हैं, लेकिन खुद की गलती को नेशनल टेलीविजन पर एक्सेप्ट करना उनकी आदत नहीं है, और इसलिए अब दीपिका जो है उन्होंने एक सवाल पूछा कि आपने श्री को जेल में क्यों भेजा। तो कहीं ना कहीं दीपिका श्री से थोड़ी नाराज हैं, दो तीन दिनों से हम देख रहे हैं भाई बहन की जो जोड़ी है वो बिग बॉस में अब धीरे धीरे टूटती जा रही है। तो कहीं ना कहीं श्री ने कहा कि इट्स माय डिसीजन और मैंने घर वालों के वोटिंग पे उनको जेल में डाला है, लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस ने ये कहा है कि वो आपको पावर है कि आप किस कंटेस्टेंट को जेल में डालना चाहेंगे, आपको घर वालों की वोटिंग को नजरअंदाज कर सकते हैं बिंगा कैप्टन, ये आपकी पावर है। लेकिन श्री ने अपना बदला, श्री ने अपना गुस्सा करणवीर को जेल में डाल दिया। करणवीर का कहीं ना कहीं, करणवीर का उनको बहुत इस बात से ठेस पहुंची, उन्होंने कहा कि हमने आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक हम आपको सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन जब बात हुई आपकी हमें सपोर्ट करने की, तो आपने वो चीज़ नहीं की। और फाइनली कल दीपिका का गुस्सा श्री के लिए दिखाई दिया, जब उन्होंने कहा कि भाई अब मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। मैं ये रहा कल का बड़ा हाईलाइट। दूसरी हाईलाइट रही दो लड़कियों का बहुत बड़ा झगड़ा जो हुआ स्वच्छ के कारण, घर में साफ सफाई के कारण, जब सृष्टि जो हमारी हैं धीरे धीरे वो भी अपना गुस्सा, अपना असली रूप बिग बॉस के घर में दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है। जब जसलीन को उन्होंने कहा कि आपको साफ सफाई करने नहीं आती, तो जसलीन इस बात को लेकर काफी गुस्सा हो गई। सृष्टि ने कहा कि आप अनहाइजीनिक है, तो वही जसलीन का मानना है कि आप OCD पेशेंट है। इस बात को लेकर भी काफी बड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन अब जो मेघा धड़े, जिन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग वे में घर में एंट्री की थी, अब बन गई है वो सभी का टारगेट। हर कोई ये जानता है कि मेघा एक टफ कंटेंडर है, बिकॉज वो मराठी बिग बॉस जीत के आई है, तो उन्हें पूरी स्ट्रैटेजी पता है कि वो शो में कैसे आगे बढ़े। लेकिन जो हमारी सुरभि राणा है, उन्होंने कल दावा बोला हमारी मेघा पे, उन्होंने कहा कि आप बिग बॉस मराठी जीत के आई हैं, आप में ये एटीट्यूड है, और जो घर वाले में यहाँ पे सब कॉमन है, यहाँ पे बड़े बड़े नाम भी हैं, यहाँ पे टीवी के नोन फेसेस भी है, लेकिन ये घमंड रखना बिग बॉस के घर में इज नॉट डन। तो ये रहा, लेकिन कल का जो बहुत ही खूबसूरत हाईलाइट रहा वो हमारी तीन लड़कियां हैं जो सजी हमारे रोहित सुशांति के लिए। रोहित सुशांति घर के वन ऑफ द हैंडसम हंग कंटेस्टेंट्स माने जाते हैं, और उन पे काफी लड़कियां भी फिदा है, शायद मैं भी फिदा हूँ बिकॉज वह हैं इतने हैंडसम। तो बिग बॉस ने यही बात सोच के एक टास्क रखा, जहाँ पे जसलीन, सोमी और सृष्टि को ये कहा गया था कि आपको मेबलिन के प्रोडक्ट से आपको अपने आप को रेडी करना है, और अंत में जो रोहित को जो इम्प्रेस करेगा वो ये टास्क जीत जाएगा। भाई लड़के को इम्प्रेस करना है, हर किसी ने पूरी मेहनत कर दी, चाहे वो जसलीन हो, चाहे वो सोमी हो, चाहे वो सृष्टि हो, हर कोई बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन रोहित सुशांति का दिल जीत गई हमारी सृष्टि, जहां रोहित ने कहा कि आपकी स्माइल ही इतनी प्यारी है कि अपने आप आपको जिताने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन बना कि कल सृष्टि जीत चुकी है,
लेकिन दिवाली का जो एपिसोड चल रहा है उसमें हम दिन पर दिन नए नए सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं, बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट को देख रहे हैं, और ये भी माना जा रहा है कि आज वीकेंड के वार में आएंगी हमारी कोमलिका यानी हीना खान और कॉमेडियन क्वीन भारती सिंह। हीना खान को ये कहा जाएगा कि आपको हर कंटेस्टेंट को कटघरे में रखना है और उन पे कुछ सवाल थोपने होंगे जिनके सफाई में उन्हें कुछ कहना होगा। तो आज के वीकेंड के वार में क्या पता श्री की वापस लग जाए क्लास या फिर आए किसी और का नंबर, लेकिन तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।